देखने वाले सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। आपके लिए आज मैं बहुत महत्वपूर्ण परसेंटेज का क्वेश्चन लाया हूँ। चीनी के मूल्य में कमी और वृद्धि, इसके प्रारंभिक मूल्य और वर्तमान मूल्य बहुत पूछा जाता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आपके सामने क्वेश्चन दिया होगा, चीनी के मूल्य में 20% कमी हो जाने पर एक व्यक्ति 480 रुपये में 4 kg चीनी अधिक खरीद पाता है, वर्तमान प्रारंभिक मूल्य होता है। तो आप देखते हैं 4 kg हमने ख़रीदा है 480 में, तो हम 1 kg का मूल्य निकालेंगे, तो 480/4 हमारा ये 120 आ गया। अब हम वर्तमान मूल्य निकालेंगे तो 180 × 20 हमारी कमी है, 20/100 कर देंगे तो हमारा ये 24 वर्तमान आ गया। वर्तमान अगर हमारा प्रारंभिक पूछे तो हम सीधे क्या करेंगे, 24×100/20% की कमी है तो नीचे 20 कर देंगे। ये दूसरा क्वेश्चन अगर हम देखें, चीनी के मूल्य में 20% कमी, तो हमारा 20% वृद्धि हो जाने पर एक व्यक्ति 720 रुपये में 6 kg खरीदता है, तो 6 kg खरीदता है हमारा, तो 6 kg कितने में खरीदता है, 720 में। तो 1 kg हमारा कितने में हो गया, 720/6, तो हमारा क्या 6×72, तो हमारा कितना आ गया 120। अब 120 में हमारी 20% की कमी है, तो 20% आप ऊपर रखेंगे, नीचे 100 और ये काट देंगे, तो हमारा ये कितना हो गया, इससे और ये इससे काटेंगे, तो हमारा ये आ गया 24। ये हमारा वर्तमान मूल्य आ गया, वर्तमान हो गया। अब आप लोग कमेंट में इसका प्रारंभिक मूल्य बताएं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक करें। नेक्स्ट आपके और भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन लाऊंगा, इसका आंसर आप कमेंट में लिखें, इसका प्रारंभिक मूल्य।